कैसा हुआ? अच्छा। कितनी शानदार ग्रेवी जो है बनी हुई है इसकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग मछली बनाएंगे। तो हमने 2 किलो मछली ये लाया है, रोहू मछली है, एकदम बिल्कुल ताज़ी जिंदा मछली थी। इसको कट करके लाया है, देखिए कितना शानदार पीस है, बड़ा बड़ा सा। ये देखिए, ये इसका पेटी है, ये पूंछ, और ये उसका हेड है, और ये बीच का पीस है। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया होती है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। अब इसको क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए मछली अपनी, और इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। देखिए अब इसको आगे इसमें मसाले वगैरह लगा के फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद एक अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए मसाले जो हैं, इसमें जीरा, मरीच, इलायची और लौंग, और ये लाल मिर्च और धनिया, और ये जो है पीला वाला सरसों, साथ में लहसुन और ये प्याज, इन सबको पीस के बारीक महीन पेस्ट बना लिया जाएगा। ये फिश जो है धुल के रेडी हो गई। इसमें से कुछ पीस, जैसे जो पेटी का पीस होता है उसको निकाल लेते हैं, और इसको जो है हम लोग ड्राई फ्राई करेंगे। बिल्कुल कुरकुरी फ्राई होती है, इसके अंदर कांटे भी नहीं होते, तो बच्चे बहुत अच्छे से इसको खा सकते हैं। तो इसके अंदर जो पेटी के पीसेस हैं उनको अलग कर लेते हैं, और इनको क्रिस्पी जो है कुरकुरी जो है फ्राई किया जाएगा। ये सब जो है पेटी का पीस होता है, जिसमें कांटे जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, उनको बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। तो इसमें से हमने इन पीसेस को अलग कर लिया। और बाकी जो पीसेस हैं, और मैरिनेशन में हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो ये रहा हल्दी, और नमक, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो इनको मिला के इसके साथ थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। बाकी जो पेटी की पीसेस हैं जिनको फ्राई करना है कुरकुरा खाने के लिए सूखे में, उसको कैसे मैरिनेट कर रहे हैं देखते हैं। इसमें भी थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, नमक, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और ये मसाला जो हमने पीसा था, पेस्ट बनाया था सरसों, लहसुन और जीरा मिर्च और धनिया का, वो भी थोड़ा सा डालेंगे इसमें। एक चम्मच उसको भी हमने मिलाया। और
इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला जो है एक चुट थोड़ा सा डालेंगे फ्लेवर के लिए। और साथ में ये जो है थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा है उसको भी मिलाएंगे थोड़ा सा, इससे जो है हमारी फिर जो है अच्छी कुरकुरी फ्राई होगी और इससे जो है अच्छे से मालिश किया जाएगा। देखिए थोड़ा सा और इसमें बेसन और चावल का आटा मिलाते हैं तो ये हमारी भी फिश क्या हो गई, मैरिनेट हो गई। इसको भी छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर जो है गर्म हो गया, देखिए धुआं आने लगा है। अब इसमें जो है मछली जो है डाल के फ्राई करेंगे। तो मछली सबसे पहले इसमें ये जो थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई करना है उन मछली को फ्राई करके निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए अंदर सारी मछली जो है इसमें इसी बार हमने डाल दिया। अब इसको हम लोग इसको थोड़ा सा पलट के देखते हैं। देखिए फ्राई हो चुका है, इसको बिल्कुल तरफ से पलट के फ्राई करना है। देखिए एक तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसको हमने पलट दिया। दूसरे तरीके से भी इसको हम लोग फ्राई करेंगे। देखिए ये फिश जो हमारी तरीके दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। फिर देखिए हम बिल्कुल लाल और इधर के लिए हम लोग निकाल। देखिए ये फिश जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, इसको अब निकालते हैं सब। देखिए शानदार ये जो है एकदम बिल्कुल क्रिस्पी कराई जो है फिश हमारी फ्राई हो गई। अब इसमें जो है दूसरी बार इनको भी फ्राई किया जाएगा। सारे इसमें देखिए इसको पलट के फिर से दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए ये सारा फिश जो हमने फ्राई कर लिया है, शानदार बिल्कुल क्रिस्पी लाल। क्या बना बाबू, कैसा बना? अच्छा। अच्छा। ये प्याज जो है लाल हो चुका है और इसमें जो है मसाले डालेंगे और डाल के उसको भी भुनेंगे। हमारे पास जो मसाले थे जिनको हमने पीसा था, जिसमें सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, धनिया, एक दो इलायची और थोड़ा सा छोटा सा एक प्याज का टुकड़ा डाल के इसका पेस्ट बनाया गया है, तो इसी मसाले के मसालों को इसके साथ फ्राई किया जाएगा। प्याज परफेक्ट लाल हो गया है, तो इसमें यह मसाले डालते हैं, डाल के उनको प्याज के साथ भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी इसको भी डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाला लाल ना हो जाए। इसको भूनते हैं, टेम्परेचर जो है गैस का थोड़ा सा तेज रखेंगे। देखिए मसाले जो है भून रहे हैं, धीरे धीरे इसके अंदर का पानी जलेगा और तेल जो है इसमें से अलग होगा। अब इसके अंदर तो इसमें टमाटर डालते हैं, ये दो तीन जो है कटा हुआ टमाटर है इसको डाल के और साथ में नमक भी डालेंगे ताकि टमाटर जो है गल जाए। तो देखिए टमाटर जो है गल गया है, तो इसमें थोड़ा सा ये मसालों का जो पानी था डालेंगे, डाल के इसको थोड़ा और भूनेंगे। देखिए मसाला जो है भून ही रहा है, इसको थोड़ी देर और भुना जाएगा। धनिया डाल के इसको भी भून लिया जाएगा, धनिया पत्ता। और इसमें पानी डालेंगे
जैसी ग्रेवी ठंडी होगी मीठा पतला अपने हिसाब से इसमें पानी डाल देते हैं। देखते हैं ग्रेवी, देखिए शानदार जो है तैयार हुआ है। ये जो ग्रेवी है पक गई है, अब इसमें मछली जो है डालते हैं। मछली को डाल दिया इसमें, अब डाल के इसको अच्छे से यह जो इसको देखते हैं। ये देखिए शानदार जो है रोगन ऊपर आ चुका है। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और डालने के बाद गैस बंद कर देंगे और ढक के 5 मिनट छोड़ देंगे। ये हमारा जो है फिश करी जो है सरसों मसाले वाली बिहार स्टाइल की तैयार हो गई। ये देखिए जो है अपनी फिश करी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे और देखते हैं कैसी बनी हुई है। देखिए कितनी शानदार ग्रेवी जो है बनी हुई है इसकी। देखिए पहले ग्रेवी थोड़ा टेस्ट करते हैं। वाह शानदार ग्रेवी। और देखिए सेड तो ये फिश करी जो है सरसों की मसाले वाली बहुत ही शानदार बनी हुई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए